लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस फेज में उत्तर प्रदेश में जिन 14 सीटों पर मतदान होगा वहां मुकाबला बहुत कंफ्यूजिंग है। इनमें आधी सीटें ऐसी हैं जहां राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि किस जाति का वोट किसको जाएगा। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, भदोई और आजमगढ़ में वोटिंग होनी है। राजा भैया और धनंजय सिंह की हनक और रुतबे की तो परीक्षा होगी ही, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की रणनीति की अग्नि परीक्षा भी हो जाएगी। ये वही क्षेत्र है जिसे साधने के लिए बीजेपी ने क्षत्रिय पार्टियों से समझौता किया है। यूपी में छठे चरण में ज्यादातर मतदान पूर्वांचल की सीटों पर है। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां राजभर और निषाद समाज के वोटरों की तादाद निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में ये चुनाव ओम प्रकाश राजभर के लिए कई मायने में बेहद अहम है, क्योंकि राजभर हर चुनाव में नए साथी के साथ चुनाव में आते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजभर अपने वोट बैंक को इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में शिफ्ट करा पाएंगे या नहीं। छठे चरण में कई लोगों की साख दांव पर है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए जौनपुर और मछलीपुर की राह आसान नहीं है। माफिया टन पॉलिटिशियन धनंजय सिंह का इलाके में बहुत दबदबा है। केवल राजपूत ही नहीं, दूसरी जातियों के वोट भी उन्हें मिलते हैं। पिछले कई चुनावों में करारी शिकस्त खाने वाले धनंजय इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी यहां से चुनाव जीतती है तो धनंजय इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। वहीं इस पूरे चुनाव में खुद को न्यूट्रल कहने वाले राजा भैया ने अंतिम वक्त में अपने पत्ते खोले। राजा भैया पहले राज्यसभा में भाजपा को वोट देते हैं, फिर मुख्यमंत्री योगी को आश्वस्त करते हैं। इसके बाद अमित शाह से मुलाकात कर उनको भी आश्वस्त किया था, लेकिन बाद में उनकी सहयोगी अनुप्रिया ने राजा भैया के खिलाफ बयान देकर उनके समर्थकों को भड़का दिया। इसके बाद राजा के प्रभाव वाले इलाके में इनके समर्थक ने सपा के समर्थन में वोट मांगना शुरू किया। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर राजा भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं यूपी में छठे चरण में जिन सीटों पर मतदान है उन सीटों पर पिछड़ी जाति के वोट निर्णायक की भूमिका में हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक यादव और अन्य पिछड़ी जातियों के वोट का बड़ा हिस्सा है। कुछ सीटों पर अगर आप सिर्फ इन जातियों को साध लें तो आपका चुनाव आसानी से निकल जाएगा। ऐसे में अखिलेश की पीडीए की भी अग्नि परीक्षा है। इस फेज के चुनाव में दो सीटें ऐसी हैं जिनके पूर्वजों का रसूख यूपी की राजनीति में एक समय ऐसा रहा है कि वहां जो चाहें वही हुआ। हम बात कर रहे हैं भदोई से इंडिया गठबंधन के ललितेश त्रिपाठी और डुमरियागंज से भीष्म शंकर तिवारी की। बात करें कि भीष्म शंकर तिवारी की तो भीष्म शंकर हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और ललितेश त्रिपाठी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलपति त्रिपाठी के नाती हैं। ये दोनों ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसे में इस वक्त ब्राह्मण जो बीजेपी का हार्डकोर काडर है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर कैसे ये दोनों प्रत्याशी अपने क्षेत्र के अलावा आसपास के प्रत्याशियों के पक्ष में ब्राह्मणों की वोटिंग इंडिया गठबंधन के पक्ष में कराते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी और उत्तराखंड की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेट और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें।